हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आया हूँ साइंस की दुनिया में, जो आपको साइंस की सैर कराने वाला हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है रमन साइंस सेंटर, नागपुर का फेमस। तो अब हम हैं रमन साइंस सेंटर के गार्डन, और यहाँ पे काफी तरह तरह के प्रोजेक्ट रखे हैं, जैसे कि ये है लीवर, जो हम एक हाथ से भी फोर व्हीलर कार इजी से उठा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट रखे हैं, जो लाइफ को और भी आसान कर देता है। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ट्रायंगल जैसा, लेकिन ये ओरिजिनल ट्रायंगल नहीं है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि इससे हम अपने हैंड कितने स्टेबल है वो हम इस प्रोजेक्ट से साबित कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे हैंड्स कितने स्टेबल है दोस्तों। यहाँ पर और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैचू है दोस्तों। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका स्टैचू देखकर कारीगर की तारीफ करने लायक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छा 3D स्टैचू बनाया गया है। ये देखने लायक है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट में पैरोट एक साइड में है और पिंजरा एक साइड में है, लेकिन जैसे ही हम घुमाते हैं तो पैरोट पिंजरे के अंदर दिखता है दोस्तों। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये सोलर वॉच है दोस्तों, इससे हम टाइम मंथ कितना है क्या है ये सब हम पता कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करना होगा, तभी ये आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में समझेगा दोस्तों। तो अब गार्डन के प्रोजेक्ट देखने के बाद अब हम बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान से। मैंने कुछ परमिशन लेके थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया है दोस्तों, बस आपके लिए। इसके लिए एक तो लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पे 30-30 मिनट्स के 3 शो रहते हैं, जिसके टिकट 160 रुपीज़ है दोस्तों। यहाँ पे इनकी स्ट्रिक्टली वार्निंग रहती है, इसलिए मोबाइल कैमरा ना यूज करें, नहीं तो हमारा मोबाइल ये ले सकते हैं दोस्तों। जैसे ही हम बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें हेलीकॉप्टर का इंजन देखने को मिलता है। डैम रिवर के अंदर कैसे बोरा तैयार होता है, ये यहाँ पे सैंपल दिखाया गया है। Thank you.
साइंस। न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है दोस्तों। इससे इस प्रोजेक्ट से हमें कैसे प्रोसेस होती है सब हमें देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इसके बाद हम भूलभुलैया में आ गए। ये मिरर भूलभुलैया है दोस्तों, ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार यहाँ पर जो तीन शो होते हैं इसका वीडियो मैंने नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल भी मोबाइल अलाउड नहीं था। और यही शो है जो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। एक शो 20 मिनट का है जो 3D मूवी रहता है, और दूसरा शो है वो तारामंडल के बारे में बताया गया है दोस्तों। वो शो देखते टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कि अपन आसमान में है, गैलेक्सी में है। हेलो सरदार सर। ओ भाई भाई भाई, ऐसा करने का ये काफी मजेदार है दोस्तों। ओनली आप इस हेड दिखेगा अपना, बाकी सब गायब हो जाएगा। ये सब मिरर इल्यूजन है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम जिन्होंने भी शोध लगाए गए है चीजें यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इंजन के सैंपल रखे हैं।